नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका ट्रेड द ट्रेंड चैनल में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पैनी स्टॉक्स की जुलाई 2020 के लिए। बेस्ट पैनी स्टॉक्स आपके लिए कौन से रहेंगे, कि छोटे जो बायर्स हैं वो कौन से स्टॉक्स यहाँ पे खरीद सकते हैं कुछ समय में जो उनको पैसा बना के दे सकते हैं। पैनी स्टॉक्स की दोस्तों बात करेंगे, उसके साथ ही पैनी स्टॉक्स के चार्ट्स भी देखेंगे कि कहाँ से हमें बाय करना चाहिए और कहाँ पर हमें पैनी स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। एकदम से एंटर कर लेना ठीक नहीं होता दोस्तों, बिना प्राइस चेक किए, बिना चार्ट एनालिसिस किए। तो हम देखेंगे कि चार स्टॉक्स की फाइनेंशियल बैलेंस शीट देखेंगे, उनके बिजनेस को जानेंगे और जानेंगे कि चार्ट क्या कहता है, कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए इन पैनी स्टॉक्स को और कहाँ पे हमें इन्हें सेल कर देना चाहिए। सभी स्टॉक्स दोस्तों जो मैं लेके आया हूँ वो 10 रुपये से नीचे हैं। जी हाँ, सभी स्टॉक्स 10 रुपये से नीचे हैं और हम उसमें देखेंगे कि कितना वहाँ पे अपसाइड रह सकता है, कितना पोटेंशियल दोस्तों उसमें यहाँ पे रह सकता है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्राइडेंट के साथ। दोस्तों ये ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस काफ़ी सेगमेंट्स में है। देखिए, इन सेगमेंट्स में ये कंपनी बिजनेस करती है, टेक्सटाइल, यार्न, पेपर, केमिकल्स और एनर्जी में। जो कंपनी दोस्तों अलग अलग सेगमेंट्स में बिजनेस करती है उसका एक ना एक सेगमेंट हमेशा अच्छा चलता रहता है। देखिए, जैसा कि अभी बात करें, अगर COVID-19 की बात करें तो ट्राइडेंट ने स्पेशल COVID-19 के लिए सूट्स एंड मास्क का बिजनेस यहाँ पे ओपन किया है। तो अगर आपका बिजनेस काफ़ी सेगमेंट्स में है, यहाँ पे बिजनेस है देखिए टेक्सटाइल में, पेपर, केमिकल्स, एनर्जी, तो कुछ ना कुछ बिजनेस एक टाइम पे बूम पे रहता है। आप खुद सोचिए कि साल के कुछ टाइम पे जब हमारा फेस्टिवल सीजन आता है तो शुगर का बिजनेस अच्छा रहता है, मिठाई बिकती है तो शुगर का कंजप्शन बढ़ जाता है। कभी फेस्टिवल पे क्लोथिंग का बिजनेस अच्छा रहता है। तो कुछ ना कुछ बिजनेस हर साल के कुछ टाइम में गेन करता रहता है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके हर सेगमेंट में बिजनेस है तो कुछ ना कुछ बिजनेस उसका अच्छा चलता रहता है और वहाँ से वो कुछ ना कुछ गेन करती रहती है और एक बैलेंस दोस्तों बना रहता है बिजनेस में, एक बैलेंस बना रहता है जिससे कि वो नंबर्स को यानी कि रिजल्ट्स को, प्रॉफिट्स को नीचे नहीं जाने देता। कोई भी एक सेगमेंट कंपनी के बिजनेस को वहाँ पे हैंडल कर लेता है और उसे नीचे वहाँ पे नहीं जाने देता है। दोस्तों ट्राइडेंट की बात करें तो देखिए COVID-19 में ये प्रोटेक्टिव सूट्स बेच रहे हैं और रिलेटेड काफ़ी आइटम्स लेके ट्राइडेंट यहाँ पे आया है। चलिए ट्राइडेंट का चार्ट देखते हैं कि चार्ट ट्राइडेंट का यहाँ पे क्या कहता है। दोस्तों ये वीकली चार्ट है ट्राइडेंट का, एक कैंडल जो है एक वीक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, एक कैंडल एक वीक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। अप्रैल 18 से चार्ट देखिए, अप्रैल 18 से ये जो चार्ट है इस सेगमेंट में ही मूव किए जा रहा है, इस सेगमेंट में दोस्तों ये मूव किए जा रहा है। तो आप अब यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे ये बाय करना है और कहाँ पे इसको दोस्तों सेल करना है। अभी हम इसको देखते हैं कि कहाँ से ये कैसे मूव किए जा रहा है। यहाँ पे देखिए इस सेगमेंट में ये मूव किए जा रहा है, ये क्लियर है कि इस सेगमेंट में, ये चैनल में मूव किए जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इजी क्या रहेगा कि 5 रुपये के आसपास बाय किया जाए, 5 रुपये के आसपास जो है बाय किया जाए ट्राइडेंट को। और कहाँ बेचा जाए, 7.5 से ऊपर यहाँ पे बेचा जाए, यानी कि 50% यहाँ पे इजी प्रॉफिट्स है। लेकिन काफ़ी बार ये देखिए यहाँ 6 रुपये से भी इसने वापसी की है, 6.20 रुपये, 6.50 रुपये से भी इसने वापसी की है। तो अभी आपको क्या देखना है ट्राइडेंट में, कि बेस्ट तो रहता है कि आपको ये 5 रुपये के आसपास मिले। 5 रुपये के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो आप ये मान लीजिए कि 50% तो यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस हाई हैं। क्योंकि अगर हम इस चैनल की बात करें तो पिछले 2 साल से ऐसा ही चल रहा है दोस्तों, पिछले 2 साल से इस कंपनी का प्राइस जो है 5 रुपये से 7 रुपये के बीच में यहाँ पे चल रहा है। देखिए तो बेस्ट क्या रहता है ट्राइडेंट में, 5 रुपये पे बाय किए और 7.5 रुपये पे यहाँ पे बेच के अब 50% अपना बुक करके यहाँ से निकल जाएं दोस्तों। अगला स्टॉक है दोस्तों रेणुका शुगर का। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स जिन्हें मैं कहूँगा, वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जुलाई अगस्त में शुगर स्टॉक्स खरीदना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है कंजप्शन शुगर की बढ़ जाती है हमारे देश में, फेस्टिवल सीज़न यहाँ पे शुरू हो जाता है, विंटर्स में वैसे भी शुगर की कंजप्शन काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये लोग जुलाई से दिसंबर तक होल्ड करते हैं, जनवरी तक मान लीजिए होल्ड करते हैं, और लास्ट में जब रिजल्ट्स इनके आने शुरू हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं शुगर कंजप्शन बढ़ने के बाद, तो अच्छे रिजल्ट्स पे ये पंप पे एग्जिट कर जाते हैं। तो शुगर के जो स्टॉक्स हैं उनका बेस्ट टाइम है कि आप जुलाई अगस्त में ख़रीदें और मार्च में वहाँ पे एग्जिट कर जाएं जब फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये टाइम है शुगर स्टॉक्स कैसे खरीदते हैं। तो रेणुका शुगर के यहाँ पे स्टॉक देखें तो चार्ट देखें अगर रेणुका शुगर का यहाँ पे दोस्तों,
तीन लेवल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ये लेवल हैं 6.6, 8.8 और 12। देखिए अगर यहाँ पे ये देखिए इसने अच्छा यहाँ पे जब रिजल्ट आया था तो 5 रुपये से लगभग 12 रुपये, यानी कि 120-30% यहाँ पे इसने गेन किया था। अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों और 8.8 भी इसे होल्ड नहीं कर पाता है, 8.8 यानी कि 8.5 यहाँ पे लगा लीजिए, अगर 8.5 रुपये में भी ये होल्ड नहीं होता है, हो पाता है शेयर, तो फिर कहाँ पे इसको खरीदना बेस्ट रहेगा? 6.6 पे। देखिए इस सपोर्ट से ये बार बार जंप लेता है, बाउंस होता है इस सपोर्ट से बार बार, तो 6.6 पे इसको बाय करना यहाँ पे इजी रहेगा। अगर ये यहाँ से बाउंस होता है तो 6.6 से एटलीस्ट 8.8 तक आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 33% यहाँ पे गेन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो रेणुका शुगर को कहाँ पे बाय करेंगे? अगर ये 8.5 ब्रेक हो जाता है तो 6.6 के अराउंड इसको बाय किया जा सकता है, और बेस्ट चांसेस में इसको 12+ पे बेचा जा सकता है दोस्तों, यानी कि 100% भी यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। 6.6 से 12 तक इसको बेचा जा सकता है, और फर्स्ट अगर आप जल्दी बेचना चाहते हैं तो 8.8 पे इसको यहाँ पे बेचा जा सकता है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, स्टॉक्स ढूंढ के लाते हैं, चार्ट बना के लाते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए। सिर्फ 20% मेंबर्स को ही नोटिफिकेशन जाता है, तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हमारे जो थर्ड स्टॉक दोस्तों यहाँ पे है, ये PTC फाइनेंशियल सर्विसेज का, PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज का हमारा थर्ड स्टॉक यहाँ पे रहेगा। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, लेंडर्स हैं, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट थोड़ा डाउन रहा है, इस क्वार्टर में 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसका रीज़न है कि यहाँ पे इन्होंने प्रोविजनिंग कर दिया ऑलरेडी कोविड के लिए, जो कोरोना से इफेक्ट्स होंगे उसके लिए दोस्तों यहाँ पे प्रोविजनिंग हो चुकी है। 95 करोड़ की यहाँ पे प्रोविजनिंग रही है, 95 करोड़ की। देखिए लास्ट क्वार्टर में प्रोविजनिंग 35 करोड़ की थी, तो 60 करोड़ का यहाँ से डिफरेंस आता है, वही डिफरेंस यहाँ पे रिजल्ट में दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल देखिए सेल्स में कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है। तो ये एक फाइनेंशियल लेंडर है, PTC फाइनेंशियल इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे चार्ट की दोस्तों बात करें तो किस लेवल पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। देखिए ये जो डाउन ट्रेंड यहाँ पे चलता आ रहा है, इस डाउन ट्रेंड को अगर हम देखें, ये जो डाउन ट्रेंड देखिए दोस्तों यहाँ पे चलता आ रहा है, अगर यहाँ पे ये 18 को टच कर लेता है, यानी कि पिछले अपने लो हाई से ऊपर चला जाता है, अगर यहाँ पे ये 18 को टच कर लेता है तो 18 से बाय करेंगे, और कहाँ तक ये जाएगा स्टॉक, इजी मूवमेंट कहाँ तक रह सकती है अपसाइड? 30 तक। तो 18 से 30 तक ये मूवमेंट यहाँ पे रह सकती है PTC फाइनेंशियल सर्विसेज में, इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज में। कैसे कंफर्मेशन होगा कि डाउन ट्रेंड ब्रेक हो गया? देखिए ये रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए जिससे ये रिजेक्ट होके नीचे जाता जा रहा है, और यहाँ से अगर ये डाउन ट्रेंड ब्रेक होता है तो इससे ऊपर दोस्तों ये जाएगा 18, इससे ऊपर जाएगा, यानी कि ये 17.5 है तो 18 पे जाएगा। 18 से लेके 30 तक दोस्तों ये यहाँ पे जा सकता है, तो 18 से 30 तक, 18 से ऊपर बाय करेंगे और 30 तक का टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि 60%, 60-70% यहाँ पे हम टारगेट रख सकते हैं प्रॉफिट का, ये PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज में। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ट्रेड दी ट्रेंड में डेली कुछ ना कुछ लाइव मार्केट में आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे लाइव मार्केट में जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये रहता है, ट्रेड दी ट्रेंड _99। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ट्रेड दी ट्रेंड 99 को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स भी यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, डेली 2-3 सक्सेसफुल ट्रेड्स यहाँ पे रहते ही हैं हमारे इंट्राडे में, और शॉर्ट टर्म के लिए भी देखिए ट्रेड्स यहाँ पे विद चार्ट शेयर किए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, आपको बहुत इसमें हेल्प रहेगी, बहुत आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट रहेगा। जो फोर्थ चार्ट दोस्तों हम लेके आए हैं, फोर्थ जो हमारा स्टॉक है वो है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक देखिए यहाँ पे जून क्वार्टर में इसने प्रॉफिट शो किया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो लास्ट क्वार्टर में 73 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ पे इन्होंने 81 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है साउथ इंडियन बैंक ने दोस्तों। तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है, इससे काफ़ी पंप भी मिला है साउथ इंडियन बैंक को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चार्ट्स क्या कहते हैं साउथ इंडियन बैंक के। अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट ऑलरेडी सब जगह कम हुआ है, वैसा ही फिर एक्सपेंडिचर में जो इंटरेस्ट पे करता है बैंक, उनमें भी वहाँ पे गिरावट दोस्तों आई है। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों किसी भी बैंक में अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखेंगे, कोई भी बैंक आप देखेंगे, तो जो मार्च का क्वार्टर होता है जहाँ पे ईयरली क्लोजिंग होती है,
ईयरली क्लोजिंग में बहुत सारा प्रोविजनिंग होती है, क्योंकि वो पूरे साल का उन्होंने प्रोविजन करना होता है, जो एनपीएस होते हैं, लोन जो रिटर्न नहीं होते, और बहुत सारे के प्रोविजंस जो करने होते हैं। देखिए, 700 करोड़ की प्रोविजनिंग थी मार्च 2020 में, तो रिजल्ट वहाँ पे नेगेटिव रहे थे, तो लोगों को यहाँ से एक नेगेटिविटी लग रही थी कि यहाँ से रिजल्ट पॉजिटिव होने वाले नहीं है। लेकिन ला देखिए, नेक्स्ट अभी कोविड से अफेक्टेड जो पूरा क्वार्टर जो है कोविड से अफेक्टेड रहा है, उसमें भी 81 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। जब पूरा क्वार्टर ही कोरोना से अफेक्टेड रहा है, तो 81 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दोस्तों शो किया है साउथ इंडियन बैंक ने। चार्ट की दोस्तों बात करें तो देखिए, 1 मंथ का ये चार्ट है, एक कैंडल 1 मंथ को प्रेजेंट करती है। तो देखिए, ये लोएस्ट प्राइस है यहाँ पे इस चार्ट का, 4 रुपये में कह सकता हूँ, 4 रुपये जो है इसका लोएस्ट प्राइस है इस देखिए 2005 से ये 4 रुपये से नीचे नहीं गया है। 2005 से 4 रुपये से नीचे साउथ इंडियन बैंक यहाँ पे नहीं गया है। और यहाँ पे इसका पंप देखिए, लगभग 5 रुपये से, और 5 रुपये से, और यहाँ पे 9 रुपये तक ये पंप हुआ है पिछले 1 महीने में। तो पॉजिटिव रिजल्ट उम्मीद थी लोगों को, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पंप हुआ है दोस्तों। तो क्या बेस्ट रहेगा, अगर क्या हम इसे अभी भी टारगेट कर सकते हैं? अगर ये यहाँ से अपसाइड लेता है दोस्तों, अपसाइड लेता है और 8 रुपये से ऊपर स्टेबल हो जाता है, 8 रुपये से ऊपर स्टेबल हो जाता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 12.5 का टारगेट लेके चल सकते हैं। 8 रुपये से ऊपर स्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है और यहाँ पे चैनल के अंदर डाउन साइड हो, लेकिन 8 रुपये से 12.5, 8 रुपये से ऊपर स्टेबल होता है, तो 12.5 का यहाँ पे टारगेट लेके दोस्तों हम चल सकते हैं साउथ इंडियन बैंक में। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, हमने एक स्पेशल मेंटर ग्रुप यहाँ पे शुरू किया गया है, जिनमें बिगिनर्स जो है मार्केट में जो ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे खासकर जो करना चाहते हैं, जो लोग इंट्राडे करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको मेंटर ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। उन्हें थोड़ा बहुत वहाँ पे लाइव सपोर्ट रहता है, ट्रेनिंग दी जाती है मार्केट में, उन्हें थोड़ा बहुत सिखाया जाता है कि कैसे काम किया जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, इसकी कोई भी फीस नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग से, डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना है, ट्रेड दी ट्रेंड 99, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है हैंडल, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके हमें बताइए कि आपने न्यू अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक से, और आपको मेंटर ग्रुप में दोस्तों शामिल कर लिया जाएगा। मेंटर ग्रुप में आपको शामिल कर लिया जाएगा अगर आप रेफरल लिंक से दोस्तों वहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं। एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारा कुछ। ट्राइडेंट को कहाँ पे बाय कर सकते हैं, देखिए इस चैनल को देखिए, ट्राइडेंट के 5 रुपये से 7.5 रुपये के बीच में कैसे पिछले 2 साल से ही मूव हो रहा है। तो बेस्ट ट्रेडिंग पार्ट क्या रहता है, 5 रुपये या 5 रुपये से नीचे बाय कीजिए और 7.5 पे यहाँ पे बेच दीजिए, यानी कि 50-70% यहाँ पे प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। रेणुका शुगर के चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है 8.8 को, 8.5 को मान लीजिए सस्टेन करता है और अप मूव यहाँ से बाउंस लेता है, तो 12 का टारगेट यहाँ पे रह सकता है रेणुका शुगर में। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज 18 पे अगर ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है और 18 पे स्टेबल हो जाता है, अगर 18 को यहाँ पे ये सपोर्ट बनाता है, तो 18 से 30 का टारगेट यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक के चार्ट की बात की जाए तो 12 से ऊपर, सॉरी 8 से ऊपर और 12 12.5 का टारगेट, 8 से ऊपर 12.5 का टारगेट हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। दोस्तों सभी मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। ये चैनल सिर्फ आपको लेवल समझाने के लिए बनाया गया है, किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चैनल यहाँ पे नहीं लेता है। हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़े, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।